गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स यूनिट वन सॉलिड स्टेट हम डिस्कस कर रहे थे आर टूडेज टॉपिक इस डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस डिफेक्ट का क्या मतलब है कोई भी कमी आ जाए जो परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट जो है कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का उसमें कोई कमी आ जाए वो कहलाता है डिफेक्ट डिफेक्ट जो स्टूडेंट्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं पॉइंट डिफेक्ट होते हैं और लाइन डिफेक्ट होते हैं पॉइंट डिफेक्ट का क्या मतलब है जब कोई डिविएशन मतलब कोई कमी आ जाए फ्रॉम द आइडल अरेंजमेंट जो है अराउंड अ पॉइंट ऑन एन एटम के अराउंड इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट जैसे हम यहाँ पे देख भी सकते हैं इस तरह से ये एक हमारा परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट है ये हमारे एक आइडल क्रिस्टल है तो अगर मैं यहाँ से ये एटम हटा दूँ तो यहाँ पे क्या आ गया डिफेक्ट आ गया जिसे हम क्या कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट अराउंड अ पॉइंट तो उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट डिफेक्ट का क्या मतलब है कोई कमी आ जाए फ्रॉम द आइडल अरेंजमेंट जो है कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के उसे हम डिफेक्ट कहते हैं तो अराउंड अ पॉइंट यहाँ पे कमी आ गई तो उसे हम क्या कहते हैं पॉइंट डिफेक्ट दूसरा टाइप जो है डिफेक्ट का लाइन डिफेक्ट है अगर एक पूरी लाइन ही मैं यहाँ से हटा दूँ जो लेटेस्ट पॉइंट्स जो हैं ये तो उसे हम क्या लेंगे लाइन डिफेक्ट वेन द डिविएशन या फिर जो कमी जो है फ्रॉम द आइडल अरेंजमेंट एग्जिस्ट करते हैं इन द इंटायर रो ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स, तो उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं लाइन डिफेक्ट ये डिफेक्ट कहाँ से अराइज होते हैं ड्यू टू जब हीट अब्जॉर्ब कर लेते हैं क्रिस्टल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स या फिर कोई इंप्योरिटीज आ जाते हैं क्रिस्टल में तो इस वजह से अराइज करते हैं नाउ स्टूडेंट्स पॉइंट डिफेक्ट जो है थ्री टाइप्स में क्लासिफिकेशन है स्टाइशोमेट्रिक डिफेक्ट नॉन स्टाइशोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट सो वी विल स्टडी दीज डिफेक्ट्स वन बाय वन सबसे पहले हमारा है स्टाइशोमेट्रिक डिफेक्ट स्टाइशोमेट्रिक डिफेक्ट का क्या मतलब है जब डिफेक्ट्स इस तरह से हैं जो स्टाइशोमेट्रिक जो है क्रिस्टल की वो डिस्टर्ब ना हो स्टाइशोमेट्रिक का क्या मतलब है जो रेशियो जो है केटाइंस और अनइंस का जो क्रिस्टल में जो रेशियो है वो सेम रहे जैसे आइडल फार्मूला में इंडिकेट होता है उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी जो रेशियो जो है जैसे एन है एन का रेशियो क्या है वन रेशियो वन यानी अगर सौ जो है एन प्लस है तो सौ ही सी एल नेगेटिव आइंस है तो जो डिफेक्ट के बाद में भी जो रेशियो जो है मेनटेन रहेगा उसको हम क्या कहते हैं स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट यानी जो स्टाइशियोमेट्रिक जो है वो क्रिस्टल की डिस्टर्ब ना हो यानी रेशियो जो कैटाइंस का और अनाइंस का जो रेशियो है वो सेम रहे जैसे आइडल मोलिकुलर फॉर्मूला में इंडिकेट होता है इन्हें हम इंट्रेंसिक और थर्मोडाइनमिक डिफेक्ट भी कहते हैं क्योंकि टेम्परेचर की वजह से होते हैं नाउ स्टूडेंट्स वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट some atoms जो मिस कर रहे हैं फ्रॉम देर लेटेस्ट साइड्स जिसकी वजह से वैकेंसी क्रिएट हो रही है यहाँ पे क्या होता है डेंसिटी जो है क्रिस्टल की वो घट जाती है दीज कैन बी प्रोड्यूस बाय हीटिंग अ क्रिस्टल और ये जनरली अराइज करते हैं ड्यू टू द दब्जॉर्बशन ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स तो वैकेंसी डिफेक्ट इस तरह से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कुछ एटम्स जो हैं फ्रॉम द लेटेस्ट साइड्स मिसिंग हो रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई तो उसे हम क्या कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट इंटस्टिशियल डिफेक्ट का क्या मतलब है इंटस्टाइसिस को ऑक्यूपाई कर ले यानी वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर ले जैसे हम यहाँ पे एक देख सकते हैं यहाँ पे क्या है ये वॉइड्स जो है ये खाली जगह जो है ये वॉइड्स या फिर इंटस्टाइसिस कहलाती हैं तो अगर यहाँ पे जो कुछ पार्टिकल ऑक्यूपाई कर ले जैसे इस तरह से ये पार्टिकल्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर ले इंटस्टाइसिस को तो हम इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर ले इंटरस्टिशियल साइट्स को या फिर वॉइड्स को जिसकी वजह से डेंसिटी इंक्रीज हो गई क्योंकि मास इंक्रीज हो गया और डेंसिटी क्या होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम तो कुछ एक्स्ट्रा एटम्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर ले इंटरस्टिशियल साइट को तो उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट जिसकी वजह से क्रिस्टल की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है ये जो दोनों डिफेक्ट है वेकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट ये किस में होते हैं नॉन आयनिक सॉलिड्स में होते हैं नाउ स्टूडेंट्स ये दोनों जो डिफेक्ट हैं वो नॉन आयनिक सॉलिड्स में होते हैं आयनिक सॉलिड्स दे डू नॉट शो सिंपल वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इंस्टेड ऑफ दे शो शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट नाउ स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं आयनिक सॉलिड्स में कौन से डिफेक्ट होते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट तो शॉर्ट की डिफेक्ट इफ एन आइनिक क्रिस्टल में जैसे हमने टाइप ले लिया ए पॉजिटिव बी नेगेटिव अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस और अनयंस मिस करें फ्रॉम दे लेटेस्ट साइड्स ताकि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रिलिटी मेंटेन रहे क्रिस्टल में उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट जब इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस जैसे हमारे क्रिस्टल है ए पॉजिटिव बी नेगेटिव केटायन अनायन केटायन अनायन इस तरह से हमारे क्रिस्टल बना हुआ है तो अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस और अनयंस मिस करे फ्रॉम दे लेटेस्ट साइट तो उसे उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे क्रिस्टल की उसे हम शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं जैसे एग्जाम्पल एन ए सी एल के सी एल के बी आर जैसे सपोज अगर है एन का क्रिस्टल है एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव एन ए पॉजिटिव सी एल नेगेटिव एन सी एल नेगेटिव एन ए प्लस सी एल नेगेटिव एन ए प्लस तो इस तरह से अगर क्रिस्टल है तो यहाँ से मैंने एन ए प्लस हटा दिया यहाँ से मैंने सी एल नेगेटिव हटा दिया तो इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन और अनयन हटा दिया अगर उनके लेटेस्ट साइड से तो एक डिफेक्ट क्रिएट हुआ यानी कोई कमी आई क्रिस्टल में फ्रॉम द आइडल अरेंजमेंट तो उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट नाव स्टूडेंट्स कंडीशन क्या है शॉर्ट किड इफेक्ट की इट इज शोन इन आइनिक कंपाउंड जिनका हाई कॉर्डिनेशन नंबर होता है और जिसमें जो साइज जो है ऑलमोस्ट सेम होता है बहुत स्मॉल डिफरेंस होता है इन द साइज ऑफ कैटाइन एन एन आइन नाव स्टूडेंट कॉन्सिक्वेंसिस क्या होते हैं शॉर्ट किड इफेक्ट के जो प्रेजेंस ऑफ होल्स बिकॉज ऑफ द मिसिंग आइन्स लोअर्स द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल अब देखो यहाँ पे जो इस डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस और अनयंस मिस हो रहे हैं फ्रॉम द लेटेस्ट साइड जिसकी वजह से डेंसिटी कम हो रही है क्रिस्टल की ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर होल्स स्टेबिलिटी जो है क्रिस्टल की वो डिक्रीज हो जाती है एंड देयर बाय लोअर इट्स लेटेस्ट एनर्जी तो होल्स क्रिएट हो गए वैकेंट साइड्स क्रिएट हो गई तो स्टेबिलिटी जो है क्रिस्टल की वो डिक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से लोअर्स इट्स लेटेस्ट एनर्जी ऑल्सो नाउ स्टूडेंट सेकेंड टाइप है फ्रेंकल डिफेक्ट यहाँ पे क्या है जब आयन यूजली कैट आयन इस डिसोकेटेड अपनी जगह से हट जाता है फ्रॉम इट्स लेटेस्ट पॉइंट टू इंटरस्टिशियल साइट इंटरस्टिशियल साइट अभी हमने डिस्कस किया था तो, जो खाली जगह जो वॉइड्स रह गए वहाँ पे ऑक्यूपाई कर ले अपनी लेटेस्ट साइट को छोड़ के और वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर ले एट औरिजिनल पोजिशन तो उस आयन की वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट हो गया और न्यू पोजिशन में क्या हो गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यहाँ पे डेंसिटी जो है वो सेम रहती है क्योंकि बस यहाँ पे जैसे जो के टाइन जो है वो अपनी जगह को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइट में चला गया तो मास रिमेन सेम तो डेंसिटी रिमेन्स द सेम जैसे ए जी सी एल ए जी बी आर एस दिस डिफेक्ट इज फाउंड टू प्रेजेंट इन सिल्वर हैलाइड सच एस ए जी सी एल ए जी बी आर ए जी आई क्योंकि जो साइज जो है ए जी पॉजिटिव का इट इज़ क्वाइट स्मॉल वी कैन सी फ्रॉम दिस यहाँ पे क्या है ये जो क्रिस्टल है हमारा तो यहाँ पे वॉइड्स हैं ये यहाँ ऑक्यूपाई कर लिया अपनी जगह कैटाइन ने इस तरह से तो इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट अब अप, अपनी ओरिजिनल जो जगह में वैकेंसी डिफेक्ट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया इंटरस्टिशियल डिफेक्ट तो ये फ्रेंकल डिफेक्ट है जहाँ पे यूजली जो कैटाइन है अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाता है लेटेस्ट पॉइंट को छोड़ के और इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है नाउ स्टूडेंट्स कॉन्सिक्वेंसिस क्या है फ्रेंकल डिफेक्ट के यहाँ पे दिस डिफेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बिकॉज सिमिलरली चार्ज के टाइम कम क्लोजर डेंसिटी जो है इट रिमेन्स द सेम तो हम यहाँ पे देख भी सकते हैं इस तरह से कि एजी पॉजिटिव यहाँ से हट गया अपनी जगह अपनी ओन जगह पे यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट हो गया और यहाँ पे इंडस्ट्रीशियल साइट इंडस्ट्रीशियल डिफेक्ट भी हो गया तो ये है फ्रेंकल डिफेक्ट कि यहाँ पे यूजली कैटाइन अपने डिसलोकेट हो जाती है अपनी जगह से और ऑक्यूपाई कर लेते हैं इंटेस्टिशियल साइट्स को तो इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं फ्रेंकल डिफेक्ट